का होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, ये आम आदमी की सभा है। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी जनपद के विधानसभा करैल में, जहां पर आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव करैल से लड़ने जा रहे हैं। यहां पर हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के साथ नेता लग रहे हैं, क्योंकि झंडा भी लगा है मोदी जी का और सभासद भी लिखा है। क्या नाम है आपका? राकेश चंदेल नाम है मेरा। राकेश जी, क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव करैल से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है जीत होगी या नहीं? देखिए, इस समय वर्तमान में भी सपा की सीट है और पहले भी रही है, लेकिन आतंक के दम पर इन्होंने जगह हासिल करते रहे, लोगों को, आम आदमी को निकलने नहीं दिया। और इस सरकार में तो इतना मौका है पब्लिक के पास कि वो अपने मन का वोट तो डाल सकता है, लेकिन आज की स्थिति ये है। आज तो सुबह मुझे धमकाया गया। किस चीज़ को लेकर धमकाया गया? आज जो है ना, इस झंडे के लिए धमकाया गया कि जो किसी झंडा उतार देना क्योंकि अखिलेश आ गए। नहीं नहीं, झंडा कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएम के द्वारा आदेश दिया गया हो, क्योंकि ये तो आचार संहिता का उल्लंघन। नहीं नहीं नहीं, ये तो आचार संहिता का उल्लंघन ऐसा है। आप जगह जगह मकानों पे लगे हुए हैं, क्या वो व्यक्तिगत नहीं है? हमारी व्यक्तिगत गाड़ी है। व्यक्तिगत गाड़ी पे लगा ही नहीं सकते ना हम, ये चीज झंडा नहीं लगा सकते। आचार संहिता का उल्लंघन है सीधा सीधा। फिर भी आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? सरकार जो योगी है, योगी 300 प्लस आएंगी सीटें, 300 प्लस आएंगी। क्या लगता है महंगाई पे अंकुश लग पाया था? बिल्कुल लगेगा, और ये तो महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए जो है ना, आप समझिए जितना उसने किया है इतना कोई सरकार आज तक कर नहीं पाई। महंगाई तो देखो जो है ना, ऊपर नीचे कांग्रेस के टाइम में भी महंगाई बहुत जबरदस्त रही, लेकिन आज जो है ना, अगर किसी चीज की कमी हुई है तो कमी होने के नाते जो है ना, उस चीज का अमूमन भाव बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे कड़ुआ तेल है, सरसों का तेल है, सरसों मारी गई तो आप अमूमन जो है ना, वो महंगाई होगी उसमें। आटा तो जो है ना नॉर्मल है। पेट्रोल की हम बात कर लेते हैं, पेट्रोल पे दाम क्यों बढ़े? पेट्रोल जो है ना, जब विदेशों से जो है ना किसी चीज की आवक कम हो। पेट्रोल विदेश से कितने रुपए आता है आपको जानकारी है? हमें मालूम है ऐसा है कि जो पिछली सरकार ने जो है ना जो बॉन्ड बांटे थे, उन बॉन्डों की भरपाई जो है मोदी जी ने की है। नेपाल और भूटान हिंदुस्तान से पेट्रोल खरीदता है, वहाँ पर 60 रुपए लीटर है, फिर अपने हिंदुस्तान में कैसे? देखिए तो अपनों से खरीदता है ना। हम बता रहे हैं ना आपको, ये सरकार जो पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार, इसने जो है ना बॉन्ड खरीदे थे, वो बॉन्डों जो का ना उसका पेमेंट नहीं हुआ, उन बॉन्डों का पेमेंट कौन करेगा? आवास योजना का जो पैसा दिया जा रहा है घर पे, ठीक, वो कहाँ से आएगा? इस बात पे हमें आपसे चर्चा कर लेते। तो वो आज जो है सरकार चेंज होगी तो वो दूसरी सरकार वो आज जो आज जीएसटी है और जो भी है, जो पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाई गई? जो अब ये तो सरकार जो है ना, उसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन उसमें विपक्षी दल एक मत नहीं हो पाए, तो उस आधार पे जो कहना उस चीज को हम क्या कह सकते हैं। क्या योगी सरकार का शासन जो रहा वो कैसा रहा? क्योंकि ये करहल है, करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है वो जीतेंगे या नहीं? अरे हम क्या कह रहे हैं, वो बेशक चुनाव जीत जाए, लेकिन यानी आपको लगता है कि चुनाव जीतेंगे? नहीं, ऐसा है वो बेशक चुनाव। अरे यार लोगों हमारे साथ एक भी लोग, क्या नाम है भैया? संतोष यादव है भाई। अखिलेश बहुत पूर्ण बहुमतों से जीत रहे हैं यहाँ से, और उन्हीं की सरकार बनेगी। लगता है जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, 100% 102% जीतेंगे भी। लेकिन आंकड़े तो ये दिखा रहा है कि हम मान लीजिए करहल से तो अखिलेश जीत जाएंगे, ठीक है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं बन रही है। नहीं भैया, सरकार बन रही है 303। शिवपाल को उन्होंने सीटें नहीं दी है, शिवपाल हो सकता है। छोड़ो शिवपाल चचा, तो मना ली घर की बात है, अखिलेश की सरकार बनने जा रही है 303 सीटें समाजवादी पार्टी की आने। जहाँ तक मीडिया को ये जानकारी है कि शिवपाल को सीटें नहीं दी गई, केवल जसवंत नगर सीट छोड़ी गई, क्या लगता है आपको? अरे जसवंत नगर चचा के लिए छोड़ देंगे और क्या करना है उन्हें, जगह बस जीत जाएंगे भी और सरकार बनाएंगे। लेकिन सम्मान तो नहीं मिला है? अरे पूरा सम्मान मिला है उनको, मिला क्यों ना उनके चचा। जहाँ तक हमें जानकारी है, कई जो प्रसपा के नेता थे वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी जोड़ ऐसा है, वो तो अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे नेताजी सपा के, भारतीय जनता पार्टी के, हम देखो पक्के सागले घमेंगे, अखिलेश की सरकार बनेगी, अखिलेश यहाँ से जीतेंगे। तुम्हें सही बात, आदरणीय माननीय अखिलेश आएंगे, उन्हें अच्छा उन्हें कौन हरा रहा है, कहीं से जीत भी लड़ जाए कहाँ से जीत जाएंगे? ये उनका गढ़ यहाँ पे, हाँ पिताजी कहीं भी जुट जाते, चाहे आजमगढ़ से लड़ जाते, गुन्नौर से लड़ जाते, बदायूं से लड़ जाते। अब यहाँ आपको बता दें, ये मैनपुरी जनपद की विधानसभा है जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर दद्दा मौजूद। दद्दा क्या नाम है आपका?
दादा शायद घबरा रहे हैं मीडिया को देखकर, शायद वो सोचते हैं नहीं रहने दीजिए। अच्छा थूकने गए हैं दादाजी, थूकने गए थे बताइए। गंदगी आई है कि इसलिए मतलब बढ़ गई। चलिए कोई बात नहीं, गंदगी आई है हमें लेता हूँ। ये बताओ क्या लगता है किसकी सरकार है? जहाँ में तो मतलब जाए कि गढ़ है, गढ़ तो है। सरकार किसकी आएगी? सरकार अखिलेश की आएगी। अखिलेश की आएगी? अखिलेश की आएगी, पक्का पता है आपको? हमें पक्का का पता, पक्का पता है। करो। अच्छा एक चीज बता दी, अखिलेश ने आपके घर जनपद में क्या क्या कार्य कराए? को हमें मत पूछो जब आता हूँ, हमारा तो बिन्नू करो जा मतलब कहीं ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश। दादा आ जाइए, आप ही आ जाइए, आप तिलक लगाए हैं, आप ही से जानकारी ले लेते हैं। चलिए रहने दीजिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बात करना नहीं चाहते, लेकिन हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे। आखिर मैनपुरी जनपद जो है वो सपा का गढ़ माना जाता है, इटावा भी गढ़ माना जाता है, लेकिन बहरहाल इटावा में विधानसभा की 3 सीटें थी जिसमें 2 का भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी थी। वहीं बात की जाए मैनपुरी से, तो मैनपुरी से सांसद मुलायम सिंह यादव जी मौजूद हैं। आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें तीसरे चरण में मैनपुरी में लोग मतदान करेंगे, यहाँ की जनता का क्या रुझान है आगे भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ।